मध्य प्रदेश में सड़क और रेल परिवहन देखने के बाद अब बारी आती है मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की। वायु परिवहन ज्यादा से ज्यादा आपका 2 से 3 मिनट का जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और वायु परिवहन के बाद आपका मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति में और पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन। तो टोटल इसमें फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो वायु परिवहन के अंतर्गत पहला फैक्ट जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश की जो पहली उड़ान थी वो स्टार्ट हुई थी 1911 में। मतलब मध्य प्रदेश की पहली उड़ान 1911 से शुरू हुई थी, लेकिन ये नियमित उड़ान नहीं थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पहली उड़ान की शुरुआत कब हुई थी तो वह 1911 में हुई थी। अगर पूछा जाता है कि पहली नियमित उड़ान की शुरुआत कब हुई थी तो फिर 1911 वहां पर आंसर नहीं होगा। तो लिख सकते हैं मध्य प्रदेश की पहली प्रायोगिक उड़ान की शुरुआत हुई थी 1911 ईस्वी में। और अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में नियमित उड़ान की शुरुआत कब हुई थी तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नियमित उड़ान की शुरुआत हुई थी 1927 में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में टोटल 26 हवाई पट्टियां हैं। मध्य प्रदेश में कुल 26 हवाई पट्टियां हैं और इनमें से 7 जितनी 26 है 26 में से अलग अलग हवाई पट्टियां अलग अलग संस्थाओं के अंडर में। जैसे कुछ जो विमान पट्टियां हैं वो है राष्ट्रीय विमान पत्तन के अधीन, कुछ है लोक निर्माण विभाग के अधीन, तो कुछ है विद्युत मंडल के अधीन, अलग अलग संस्थाओं के अधीन है। और इन 26 हवाई पट्टियों में 11 हवाई पट्टियां प्रमुख हैं। टोटल 26 बट 11 जो है वो प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में मात्र खजुराहो और भोपाल से अंतरराष्ट्रीय उड़ान है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये भोपाल में आई थिंक 2010 से शुरू हुआ था। तो मध्य प्रदेश में मात्र खजुराहो और भोपाल से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं। क्लियर? पूछा जाता है ये क्वेश्चन और खजुराहो कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर क्या है, हवाई पट्टी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट पॉइंट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्माणाधीन है, मतलब हवाई पट्टी का कार्य चल रहा है। तो इस तरह से जब बांधवगढ़ में भी इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मध्य प्रदेश के 2 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान बन जाएंगे जहां पर हवाई पट्टी है। कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया कहां पर स्थित है, आप बता देना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी बता देना आपकी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे, राज्य के 5 नगरों से ही नियमित वायु और मध्य प्रदेश के
पांच नगरों से ही नियमित नियमित वायु सेवा उड़ाने हैं, नियमित वायु सेवा उड़ाने हैं। नियमित मध्य प्रदेश के केवल पांच ही नगर हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। राज्य में, राज्य का मतलब मध्य प्रदेश में जो वायु सेवाएं हैं, मध्य प्रदेश में वायु सेवाएं कौन कौन दे रहा है वर्तमान में? सहारा एयरवेज, सहारा एयरवेज है ना, एयर इंडिया, एयर इंडिया और वायुदूत, वायुदूत, ये तीनों मध्य प्रदेश में वायु सेवाएं दे रहे हैं। क्लियर हो गया? बस इतना ही आपको वायु परिवहन में याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है। और इनमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मध्य प्रदेश की पहली प्रायोगिक उड़ान 1911 में, मध्य प्रदेश में नियमित उड़ान 1927 में। कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं ये याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ाने कहाँ से है ये याद रखिएगा। किस किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है या फिर निर्माणाधीन है ये याद रखिएगा। और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर वायु सेवाएं दे रही हैं। बस आज के लिए इतना ही वायु परिवहन में। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।